कोटवार संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि हमारे लोगों की समस्याओं के लिए हमारे द्वारा कई बार विधायक से लेकर मंत्रीगण और मुख्यमंत्री को अपनी शिकायती आवेदन दे चुके हैं, पर अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। केवल हर बार आश्वासन दे दिया जाता है। अगर सरकार ने हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। साथ ही शिवराज सरकार को आने नहीं देंगे और प्रत्येक गांव में जाकर खुलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे। ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट। शहीद खान जी के बैनर तले आप ज्ञापन देने आए हो और क्या अपनी मांगे हैं? मध्य प्रदेश कोटवार संघ की ओर से मैं कोटवार संघ जिला अध्यक्ष हूँ, क्योंकि हमारी बरसों से लंबित मांगे चली आ रही हैं। हम शासन से सिर्फ अपनी मजदूर की मजदूरी मांग रहे हैं, जो हमें 4000 रुपये दे रही है गवर्नमेंट, जो जिसमें हमारे भरण पोषण की संभावना है ही नहीं। हम भरण पोषण नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। सरकार से कई बार मांग लंबित बहुत कई बार कह रखा है अपने कि भाई हमारी मांगें पूरी करो, पूरी, जो कि इसी मांगों के संबंध में अब हम 1 दिसंबर 2022 से नीलम पार्क भोपाल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ रहे हैं। भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश के 38,000 कोटवार वहाँ जा रहे हैं। किस तारीख तक हड़ताल रहेगी? 1 तारीख से लेकर अभी 5 तारीख तक का वो किया गया है। वैसे परमिशन के अनुसार 1 से लेकर 5 तारीख तक हम धरना पड़ जाए, वहीं बैठेंगे, वहीं भूख हड़ताल रहेगी। अभी कलेक्ट्रेट कार्यालय पर भी आप प्रदर्शन कर रहे हो, ज्ञापन देने आए हो, क्या आपकी मेन मांगे हैं? मेन मांग यही है कि हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और उसमें विलम्ब कम से कम कलेक्टर रेट का वेतन हमें दिया जाए। इसी संबंध में कलेक्टर साहब को अभी सूचना देने में आया था, इसमें क्या पूरे समस्त जिले की ओर से कि समस्त जिले के कोटवार 30 नवंबर को यहाँ से भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके पहले भी कोई आपने ज्ञापन वगैरह प्रदर्शन अभी कई बार ज्ञापन दिए गए, कलेक्टर साहब को भी दिए गए हैं, मध्य प्रदेश शासन को, ऐसा कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई अधिकारी नहीं। मंत्री को ज्ञापन दे चुके हो आप? राजस्व मंत्री को दिए गए हैं, अभी अपने मिश्रा जी को, नरोत्तम मिश्रा जी को दिए गए हैं, भारत सिंह कुशवाहा जी को दिए गए हैं, अपने इमरती देवी जी को दिए गए हैं। ऐसे कोई अपने जिले में कोई मंत्री नहीं बचे हैं जिनको अपने ज्ञापन ना दिए हो। ज्ञापन देने के बाद भी क्या मंत्रियों के द्वारा कोई समस्या का समाधान नहीं? उन्हें उनके द्वारा सिर्फ हमें आश्वासन दिया जा रहा है, बस केवल आश्वासन मिला है अभी तक हमको। इसके आगे हमें अभी तक ऐसा कुछ भी कोई वो नहीं मिला है। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगामी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या कुछ चुनाव को लेकर भी कुछ आपकी बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? शिवराज सिंह की सरकार को हम आने नहीं देंगे। प्रत्येक गांव में हमारे ऐसी है शिवराज सिंह सरकार नहीं आएगी। इस बार हम इस बार खुल के विरोध करेंगे, झंडा लेकर विरोध करेंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई उससे पहले।